भरतपुर 14 जून 2021 को नगर निगम द्वारा एकीकृत सफाई व्यवस्था मैकेनाइज पद्धति से कराने पर DPR का प्रेजेंटेशन नगर निगम सभागार में रखा गया। कपिल फौजदार नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिना पार्षदों की स्वीकृति के DPR क्यों बनवाई गई। पार्षदों का भी एक महत्व है, कोई कार्य करने से पहले परिवार में बैठकर तय करना चाहिए क्या करना है। निगम हम सबका परिवार है, शहर की बहुत जिम्मेदारियां हैं, निगम पर लोगों को आशा भी है। सर्वप्रथम कोरोना काल चल रहा है, इसमें पार्षदों को एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है। कंपनी के व्यक्ति दूसरे स्टेट से आए हैं, अगर वह पॉजिटिव हुए तो पार्षदों के माध्यम से भरतपुर शहर में कोरोना सेने का आशंका रहेगी। क्या इतना महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे शहर की व्यवस्था खराब हो जाएगी। अगर यह इतना जरूरी है तो क्या मास्टर ड्रेनेज सिस्टम की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लेने की अलग अलग पार्षदों से हस्ताक्षर करा कर क्यों ली गई। बोर्ड बैठक कर सकते थे ना, क्योंकि मिलीभगत का अंदेशा लग रहा है। महापौर महोदय द्वारा सभागार में बताया गया कि कंपनी द्वारा कचरा परिवहन, प्रतिदिन सफाई एवं घरों से ऑटो टिपर द्वारा कार्य कंपनी करेगी। कई मशीनों द्वारा और कोई कंप्लेन होगी वह 12 या 24 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। फौजदार ने कहा कंपनी 24 घंटे में करेगी, हम कंप्लेंट को कुछ मिनटों या कुछ घंटे में करा सकते हैं, तो फिर कंपनी की क्या आवश्यकता है। हमारी सफाई की पूरी मॉनिटरिंग टीम लगी हुई है, मॉनिटरिंग टीम पर निगरानी कर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। निगम द्वारा कंपनी लाने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि अगर सफाई व्यवस्था पर जोर देंगे बेहतर सफाई व्यवस्था होगी, वाल्मीकि समाज को रोजगार मिलेगा। बड़ी कंपनी जब यह कार्य करेगी तो वह न तो निगम के अधिकारियों की ना ही पार्षदों की सुनेगी, क्योंकि वह उच्च स्तरीय लोगों से साठगांठ कर भरतपुर शहर को लूटेगी। सफाई व्यवस्था फेल होगी, आमजन परेशान रहेंगे एवं वाल्मीकि समाज जो कि पुण्यतई सफाई कार्य पर आश्रित है, उनका पूरा परिवार का पालन पोषण सिर्फ सफाई कार्य से ही चलता है, वह लोग भी बेरोजगार होंगे। बेरोजगारी शहर में बढ़ेगी। अगर कुछ रोड की मशीनों से सफाई करनी है तो बोर्ड में प्रस्ताव रख मशीन ले सकते हैं। जरूरत क्या है कंपनी को लाने की। बड़ी कंपनियां बड़े कार्य होते हैं, लगभग 800 व्यक्ति सफाई कार्य संबंधित निगर में संवेदक द्वारा कार्यरत हैं। कांग्रेस सरकार का बोर्ड गलत तरीके से भरतपुर में गलत कार्य कराने में लगा हुआ है। निगम को गिरवी रखने का कार्य किया जा रहा है, इसके कारण शहर में विकास नहीं हो पाएंगे। इस मौके पर भरत सिंह दाव, सुंदर विमलेश सिंह, दिलकेश किशन पाल एवं कई पार्षद थे। BPA न्यूज़ संवाददाता नरेश कुमार डंडोरिया, भरतपुर, राजस्थान की रिपोर्ट। विडंबना की बात यह आ रही है समझ में, एक पत्र नगर निगम से जारी होता है, उस पत्र में पार्षदों की सहमति संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ली जाती है। क्या वो स्वीकृति बोर्ड बैठक बुला के नहीं ली जा सकती थी? इतना अत्यावश्यक कार्य था कि उस पर साइन करा के ली गई, प्रथम। द्वितीय बात, आज ये मीटिंग कैसे बुलाई गई आप बताएं, एवं सफाई व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था फेल है, जब हम अपने कर्मचारियों पर लगाम नहीं लगा सकते तो कंपनियां तो आती है अपने अपने बड़े सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम्स पे कैसे काम होगा। तो मेरा तो यही निवेदन है, इसको ड्रॉप किया जाए मामले को। और प्रेजेंटेशन की बात है, DPR तैयार, क्या सदन की सहमति से DPR तैयार कराई गई? भाई किसी काम को ये बोर्ड के सदस्य है, पार्षद के नीम है बोर्ड की, जब हम सब पार्षद भाइयों से इस विषय पर चर्चा ही नहीं की गई, लाके तैयार कर दिया गया कि सर इसकी लड़की की सगाई हो गई है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। जो कोई भी विषय अपने को निगम में रखना है, लाना है, पटल पे लाना है, तो बोर्ड की सहमति लें, आपस में चर्चाएं करें, फिर उसको आगे बढ़ें। अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपने बिल्कुल धोती कहानी, कोई मनगढ़ंत कहानी बना के ला के धर दिया, सदन में हाथ खड़े करा लिए और चल दिए। ये बिल्कुल गलत है महापौर महोदय, ऐसा नहीं चलना चाहिए। और किसी विषय पे अगर किसी गुप्त वोटिंग करानी चाहिए, कोई हो सकता है कोई किसी के दबाव में कोई परेशानी हो सकता है।